नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम और अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रेशर को कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपको PSI से KG में कन्वर्ट करना हो या KG से PSI में कन्वर्ट करना हो या PSI से बार में कन्वर्ट करना हो या बार से PSI में या KG से बार और बार से PSI में इस तरह का कन्वर्ट करना हो, तो हम बिना किसी मदद से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह है प्रेशर गेज, और प्रेशर गेज में कई तरह के प्रेशर गेज आते हैं। KG में आते हैं और PSI में आते हैं, बार में आते हैं, तो कई ऐसे फॉर्म होता है जिसमें जो ये गेज होता है ये आता है। आप देख सकते हैं कि इसमें PSI है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रेशर है अभी 55 है, 55 PSI पाउंड है, तो इसको हम KG में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। मैं इसके फैक्टर को बताऊंगा जिससे आप आसानी से इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं KG में। KG में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा प्रेशर था ये 55 PSI था, यानी पाउंड में था, तो हमें कन्वर्ट करना है KG में, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.07030 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आ गया 3 KG, यानी 4.25 KG के आसपास आपका प्रेशर हो गया, 3.866 ये आपका केजी हो गया। तो आपको ये फैक्टर याद रखना है, अगर आप PSI से KG में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये फैक्टर याद करना पड़ेगा, 0.0703 ये आपको फैक्टर याद रहना चाहिए, तो आप PSI से KG में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब चलते हैं दोस्तों कि हमें KG से PSI में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फैक्टर जानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि 12 KG प्रेशर है, तो हमें PSI में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 14.2233। आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर हमको याद रखना पड़ेगा, 14.2233, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा PSI आ गया, आप देख सकते हैं कि 170.6 ये हमारा PSI हो गया, यानी पाउंड हो गया, इतना प्रेशर हो गया 12 KG प्रेशर का, ये पाउंड में हो गया। तो इस तरह आप KG से PSI और PSI से KG में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर हमें KG से बार में कन्वर्ट करना हो तो मान लेते हैं हम 10 बार रख लेते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.9806। आप देख सकते हैं कि 0.9806 ये हमारा फैक्टर हो गया, तो ये हमारा बार निकल गया KG से। अगर 10 KG प्रेशर हो तो हमें 9.806 ये बार में आ गया, ये बार का प्रेशर हो गया। अब उसी तरह अगर बार से KG में करना हो, हम 12 बार प्रेशर ले रहे हैं, तो 12 बार जो प्रेशर है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा, हमको KG में कन्वर्ट करना है, तो 1.097 ये हमारा फैक्टर हो गया, 1.097, तो हमारा देख सकते हैं कि 13.164 ये हमारा KG में आ गया। इसी तरह दोस्तों, हमें बार से PSI में कन्वर्ट करना हो तो हमें कौन सा फैक्टर याद रखना पड़ेगा, तो हमें प्रेशर ले लेते हैं, मैंने 5 बार ले लिया है प्रेशर, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 14.5037। आप देख सकते हैं कि हमें ये फैक्टर याद रखना पड़ेगा, 14.5037, तो हमारा PSI कितना होगा, 72 PSI हो गया, यानी 5 बार का 72 यानी 72.5 PSI हमारा प्रेशर हो गया। तो इस तरह दोस्तों, आप बड़ी आसानी से किसी भी प्रेशर से किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।